हेलो फ्रेंड, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल वीजा गाइड। वीजा गाइड देखने वाले आप सभी फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट टाइम जो व्यूअर इस चैनल को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उससे क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस यूट्यूब फैमिली के साथ में जुड़ जाइए। मैं चैनल पर जॉब, इमिग्रेशन, वीज़ा के बारे में लेटेस्ट वीडियो बनाकर डालता रहता हूँ, जो काफ़ी इन्फॉर्मेशन पर हेल्पफुल होता है। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उन्हें मैं थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं से बात करूंगा दुनिया के उन देशों के बारे में जहां पे आप जा सकते हो इंडिया से। आज मैं आपको ऐसे देश बताऊंगा जहां पे आप ट्रेन से जा सकते हो, मतलब फ्लाइट से जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आज आपको दुनिया के ऐसे देश बताऊंगा, भारत के अगल बगल ऐसे देश बताऊंगा जहां पे आप इंडिया से ट्रेन से आप जा सकते हो। तो कौन कौन से ऐसे देश हैं जहाँ पे आप ट्रेन से जा सकते हो, अगर आपको ये जानना है तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ में और इस वीडियो को देखिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंडिया से, अगर आप पाकिस्तान जा रहे हो तो जो ट्रेन चलती है इंडिया से पाकिस्तान के बीच, उसका नाम है समझौता एक्सप्रेस, और इस ट्रेन के ज़रिए आप इंडिया से आप पाकिस्तान जा सकते हो। दूसरी ट्रेन जो है वो बांग्लादेश के लिए है, इंडिया से बांग्लादेश के लिए, जिसका नाम है मैत्री एक्सप्रेस, इससे आप जा सकते हो बांग्लादेश। और जो तीसरी ट्रेन, अगर तीसरा कंट्री है जहाँ पर आप ट्रेन से आपको जाना है, अगर मैं मैत्री की बात करूं तो मैत्री आपको मिलेगा कलकत्ता से, तो आप मैत्री पकड़ के आप मैत्री से आप जा सकते हो बांग्लादेश, और बांग्लादेश जाने के लिए बस भी जाता है, बस से भी आप बांग्लादेश जा सकते हो। और उसके बाद अगर आपको नेपाल जाना है तो नेपाल के लिए कई सारी एक्सप्रेस ट्रेनें, पैसेंजर ट्रेनें भी आपको मिल जाएंगी। अगर आप रुपेडिया बॉर्डर से आप जा सकते हो, आप सिद्धार्थनगर बॉर्डर से जा सकते हो आप, और आप सुनौली बॉर्डर से जा सकते हो। तो अगर आप नेपाल जा रहे हो तो उसके लिए भी ट्रेन है, तो आप नेपाल भी आप जा सकते हैं ट्रेन से। और अगर आपको जाना है भूटान तो भी आप ट्रेन से जा सकते हैं। कैसे जाएंगे? आपको जाना पड़ेगा हासीमारा जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, ये एकदम भूटान के करीब में है, या फिर आप सिलगुड़ी आप जा सकते हैं। सिलगुड़ी से भी आपको भूटान के लिए भूटान आप जा सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से टैक्सी करके या थोड़ा बहुत चल के आप वहाँ पे जा सकते हैं। ऐसे हासीमारा जो रहेगा वो सबसे नियरेस्ट स्टेशन है, 20 रुपये दे के आप हासीमारा से आप फुनसोलिंग तक पहुँच जाएंगे, वहाँ से आप बस लेके आप थिम्पू भूटान जा सकते हैं। और जो अगला देश है उसका नाम है म्यांमार। म्यांमार अगर आप जाना चाहते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हवाई जहाज़ से ही जाओ, आप वाया फ्लाइट ही जाओ, आप ट्रेन से भी जा सकते हो। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा दीमापुर से आपको लेना पड़ेगा बस, दीमापुर से आप बस पकड़ के आप जा सकते हो आप जा सकते हो मोरे बॉर्डर तक। उसके बाद वहाँ से मोरे बॉर्डर से आप काफ़ी साधन आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद आप म्यांमार में चाहो तो आप बस ट्रेन का भी यूज कर सकते हो, मांडले से आप रंगून जा सकते हो ट्रेन से। तो फ्रेंड्स, ये जो सारी जगह थी यहाँ पे आप बाकायदा ट्रेन से आप विजिट कर सकते हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ट्रेन से ट्रेवल करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो अगर आपको इंडिया से पाकिस्तान जाना, हालांकि पाकिस्तान का वीज़ा बहुत मुश्किल मिलता है, अगर आपको करतारपुर कॉरिडोर जाना है, करतारपुर साहिब जाना है, तो वो भी आप ट्रेन से जा सकते हो। आपका जो नियरेस्ट स्टेशन पड़ेगा वो अमृतसर पड़ेगा। उसके बाद आपको अगर ढाका जाना है, बांग्लादेश घूमना है, तो बांग्लादेश आप पैसेंजर से भी जा सकते हो, पैसेंजर से भी बॉर्डर जाता है, पैसेंजर से भी आप जा सकते हो। वहाँ से बांग्लादेश के लिए पैसेंजर भी जाता है कलकत्ता से, और आप वहाँ से एक्सप्रेस लेके, मैत्री एक्सप्रेस लेके भी आप जा सकते हो। और बाकी नेपाल के लिए तो बहुत सारी ट्रेनें हैं, जो कि आपको यूपी और बिहार अगर आप पहुँच गए तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, उत्तराखंड से आपको मिल जाएगा। और अगर आपको म्यांमार जाना है तो उसके लिए दीमापुर, और अगर आपको भूटान जाना है तो उसके लिए हासीमारा। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, बहुत ही छोटी इन्फॉर्मेशन थी, जो आप लोग के साथ में शेयर करना था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू।